एक आइलैंड जहाँ लड़कियों को किडनैप करके उन्हें अमीर लोगों की बीवियां बनाने के लिए तैयार किया जाता था। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक राजकुमार दिखाया जाता है जिसका नाम सन था। उसकी शादी होती है, वो अपनी बीवी उमा के पास जाता और कहता है, तुम 2 महीने में कितनी बदल गई हो, एकदम नई लग रही हो। और सीन पास में जाता है, हमें उमा दिखती है जो एक आइलैंड में उठती है जो काफी अलग था, उसे पैराडाइज कहते थे। उमा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जगह पूरी दुनिया से काफी सेपरेट थी और वहां से निकलना मुश्किल था। उमा गार्ड से बच के भागते हुए नदी के जरिए भागने की कोशिश करती है। उसे अमारना नाम की लेडी दिखती है, वो उसे मदद मांगती है, लेकिन अमारना उसे पकड़वा देती है। अमारना ने यह उसकी भलाई के लिए किया था क्योंकि यहां से भागना नामुमकिन था। बाद में पैराडाइज की ओनर उमा को बताती है, तुम्हारी मां ने पैसों के लिए तुम्हारी शादी एक अमीर राजकुमार से तय कर दी थी और उसने तुम्हें यहाँ भेजा था कि तुम्हें हम लोग एक प्रॉपर वाइफ बनने की ट्रेनिंग दे। और उमा सन से शादी नहीं करना चाहती थी, वो मार्कस नाम के लड़के से प्यार करती थी। उमा वहां से भाग नहीं सकती थी, वो वहां कुछ लड़कियों से दोस्ती करती और उन्हें भी वहां वाइफ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। उमा का हेयर कलर पिंक किया जाता है, उसे अलग कपड़े पहनाए जाते हैं। उमा परेशान हो जाती है, वो अभी भी सन से शादी नहीं करना चाहती थी। बाद में उसे जबरदस्ती सन की होलोग्राम में लगातार वीडियो दिखाई जाती है। काफी बार मना करने के बाद भी उमा परेशान होने लगती है। बाद में उमा से मिलने वहां मार्कस आता है, उमा खुश होती है। मार्कस उसे दूर ले जाता है और बताता है, मैं तुम्हें यहाँ ले जाने आया हूँ, मैं अभी वर्कर बन के आया हूँ लेकिन तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाऊंगा। और मार्कस उसे एक रूम में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अमारना उमा को देख लेती है, उसे बुरा लगता है क्योंकि वो उमा को पसंद करती थी। वो एक गाने के जरिए उमा को अपनी फीलिंग्स बताती है, लेकिन उमा कुछ रिएक्ट नहीं करती। और बाद में पैराडाइज में एक आदमी घुस जाता है जो ओनर का फैन था। उमा देखना चाहती थी लेकिन ओनर उसे मिलने से रोकती है और उसे जबरदस्ती रूम में भेजने की कोशिश करती है। उमा के दोस्त ओनर को जबरदस्ती करने से मना करती है, ओनर उसे टॉर्चर करने लगती है। अमारना उसे बचाती और यहाँ से सारी लड़कियों के साथ भागने की धमकी देती है। बाद में अमारना उमा को बोर्ड दिखाती है जिससे ओनर का फैन यह आया था। अमारना उमा के साथ भागना चाहती थी और वो बताती है, हमें रात को कोई ड्रग दिया जाता है जिससे हम रात को नहीं उठ पाते। और अमारना मार्कस पे भी भरोसा करने से मना करती है, लेकिन बाद में जब मार्कस उमा से मिलता है वो उसे बताता है कि वो यहाँ से उसे भगा कर ले जाएगा कुछ टाइम में। उमा उसे अमारना का भागने वाला प्लान बताती है और उसी रात गार्ड्स अमारना को कहते हैं, तुम्हारे 2 महीने पूरे हो गए, जाने का टाइम आ गया। और उसी रात में उमा ड्रिंक नहीं पीती जिसमें ड्रग्स था और अमारना रात में उससे मिलती है, उसे लॉकेट देती है जिसमें उसका एड्रेस था। वो कहती है, हम बाहर जरूर मिलेंगे, वो उसे किस करती है। और बाद में जब सब सो जाते हैं और उमा बाहर जाती है, वो देखती है 2 लड़कियों को बेहोश करके ले जाया जा रहा था। उमा पीछा करती है लेकिन गार्ड उसे देख लेते हैं। उमा बेहोश होने का नाटक करती है, गार्ड उसे उसके बेड पर लिटा देते हैं। और अगले दिन उमा को उसके पापा के सुसाइड की वीडियो दिखाई जाती है होलोग्राम पे और उमा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसे जबरदस्ती एक ड्रिंक दी जाती है और उमा भागने की कोशिश करती है लेकिन गार्ड पकड़ते और मार्कस उसे इग्नोर करता है और उमा को 2 हफ्ते बाद होश आता है। ओनर उमा को अमारना की वीडियो दिखाती है कि वो अब अपने पति के साथ खुशी से रह रही है और अब तुम भी कल यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। उमा अपने दोस्तों को बताती है कि वो नकली अमारना है, हमें यहाँ से भागना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। और रात में कोई भी ड्रिंक नहीं पीता, सब नाटक करते हैं, बाद में उल्टी करते हैं। और रात में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सब एक लड़की को देखते हैं जिसे खतरनाक गैस से मारा जा रहा था। उमा और उसके दोस्त बचाने की कोशिश करते हैं। बाद में उमा और सबको सच पता चलता है कि इस जगह पर लड़कियों को वाइफ बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उन्हें मार के उनका डुप्लीकेट बेचा जाता है। और उमा को पता चलता है मार्कस भी इन सब में मिला हुआ था और वो जानबूझ के इंटीमेट हुआ था। उमा अपनी इंटीमेट होने वाली वीडियो में देखकर उसे पता चलता है यहाँ पर डुप्लीकेट्स को फिजिकली इंटीमेट होने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और बाद में उमा अपने डुप्लीकेट भी देखती है और उसके दोस्त का भी, और डुप्लीकेट बताते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें बेच दिया था और यह हमारे प्लास्टिक सर्जरी से फेस चेंज करके अमीर लोगों के पास भेजा जाता है। और वहाँ गार्ड्स आते हैं, उमा अपने डुप्लीकेट से कहती है, सुना अच्छा आदमी नहीं है, उसे नफरत करना। बाद में उमा और उसके दोस्त भागते हुए एक जगह जाते हैं जहाँ लड़कियों की लाशें थी, अमारना की भी लाश थी। उमा को बुरा लगता है, तभी एक गार्ड उमा के दोस्त को पकड़ती है, उसे मार देती है। और वहाँ की ओनर आती है, हमें पता चलता है वो मॉन्स्टर है जो लड़कियों का खून पीकर जिंदा रहती है। वो उमा को भी मारने वाली थी लेकिन
उमा की डुप्लीकेट आती है और कहती है मैं असली उमा हूँ। ओनर कंफ्यूज होती है असली उमा बहाने से ओनर को मार देती है और उमा और उसकी डुप्लीकेट वहाँ से भागते हैं। उमा की डुप्लीकेट बताती है उसे सन के पास ही जाना होगा क्योंकि वो और कहीं नहीं जा सकती और सीन प्रेजेंट में आता है। सन उमा के साथ इंटीमेट होने वाला था लेकिन हमें पता चलता है ये असली उमा है। वो सन को मार देती है चाकू से और नकली उमा नीचे थी जिसे किसी को उमा पे शक ना हो। इस तरीके से उमा अपना बदला लेती है और उसकी डुप्लीकेट राजकुमार की विधवा बनकर अमीर लाइफ जीती और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।